तीन तारीख को मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी और उससे ठीक एक रात पहले हम मौजूद हैं बालकनाथ जी के साथ। बालकनाथ जी हमारे साथ हैं, अलवर पहुंचे हैं, मतगणना की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस रात को कत की रात कहा जाता है, किस तरह की तैयारी रहेगी? क्योंकि आज ये दिल्ली में आलाकमान से भी कई बड़े नेताओं से मिले हैं, सीधा जुड़ते हैं उनसे। सर, दिल्ली में आपने रियल सोनी से मुलाकात की, किस तरह? ऐसा कुछ नहीं भैया, आप लोग इन चीज़ों में, हमारा पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं, शीर्ष नेतृत्व से सबसे मिलना जुलना चलता ही रहता है, कोई विशेष बात नहीं है। और सामान्य तौर पर, और बाकी कत्ल की रात कौन सी कत्ल की रात है? कोई कत्ल की रात नहीं है, कल काउंटिंग है और काउंटिंग की तैयारियों में सब कार्यकर्ता लगे हैं, जो काउंटिंग एजेंट रहेंगे उन सब की तैयारियां हैं। और पूरे ज़िले की विधानसभा की 11 विधानसभा सीटें हैं हमारे अलवर के अंदर, सभी की तैयारियों के साथ में काउंटिंग में बैठेंगे और कोशिश रहेगी कि अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बाबा के आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से और जनता जनार्दन के सहयोग से हम जीतेंगे। आसपास के कितने विधायकों के संपर्क में है, किस तरह की और तैयारियां चल रही हैं? संपर्क में हमारे पूरा पार्टी परिवार है, सभी विधायक हैं और सभी इस ज़िले का एक सांसद होने के नाते भी, और कल सभी काउंटिंग का सबका देखेंगे, सबकी अच्छे से काउंटिंग हो, पूरी पारदर्शिता के साथ काउंटिंग हो और अच्छा रिजल्ट हमारे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए। पार्टी आलाकमान की तरफ से कोई खास निर्देश आपके लिए, कोई आपको, क्योंकि कई तरह की आपसे उम्मीदें हैं आगे सीएम फेस के? ऐसा कुछ नहीं है भैया, आप इन चीज़ों में, आपका ऐसा कुछ नहीं है, सब पार्टी के कार्यकर्ता हमारा, मैं तो बार बार बोलता हूँ कि हमारा पार्टी का बूथ अध्यक्ष से लेकर और ऊपर तक के सभी कार्यकर्ता हमारे बहुत ही निष्ठावान हैं और सब पार्टी और देश के लिए काम करते हैं, देश के विकास के लिए, देश के गरीबों की चिंता करते हैं और देश के उत्थान के लिए काम करते हैं। जिले में कुछ ऐसा भी बीच में चर्चाएं हो रही थी कि पार्टी का कुछ सहयोग यहाँ कार्यकर्ताओं का ऐसा नहीं मिल रहा है, तो क्या आपकी तरफ से कुछ ऊपर इस तरह की बात की गई, क्योंकि आप एजेंट लगाए जाएंगे, तमाम तरह की चीज़ें होंगी, लोगों की बहुत आवश्यकताएँ हैं? देखिए, आप लोग है ना, अपनी तरफ से सवाल मत बनाया करो, ऐसे सवाल आप अपनी तरफ से पैदा करते हो, क्योंकि कुछ सवाल पूछने का हो, पार्टी की तैयारी कैसी है, आगे जनता में क्या काम करेंगे, ये सवाल बनता है। लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर आप अपनी तरफ से बातें बनाकर हमको पूछते हो, ऐसी कोई बात ही नहीं है। सब कार्यकर्ता, बूथ अध्यक्ष और उसके साथ में उसकी कार्यकारिणी से लेकर और हमारे पार्टी के जो एक तरह से सदस्य हैं उन सब से लेकर सब एकजुट हैं और बहुत ही आनंद के साथ में भगवान की कृपा से और राजस्थान की जनता के उम्मीदों पर, राजस्थान की जनता के सपनों को, उनके सुरक्षा को पूरा करने के लिए हमारी पार्टी वचनबद्ध है और निश्चित रूप से राजस्थान की जनता ये मन आज से बहुत पहले बना चुकी थी। लोकतंत्र के हमारे परंपराओं के अनुसार हमारा चुनाव आया और चुनाव के दिन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान हुआ है बहुत बढ़ चढ़ कर, और 3 तारीख को कल बहुत ही बड़ा परिणाम देखने को आपको। अशोक गहलोत जी ने कहा कि अगर बालकनाथ का जिक्र किया, उन्होंने ध्रुवीकरण कर पाया, भाजपा ध्रुवीकरण कर पाई, तो उनकी सरकार बनेगी, नहीं तो कांग्रेस की सरकार बनेगी। अशोक गहलोत जी ने मेरा नाम लिया? हाँ, उन्होंने इशारों में कहा कि भाजपा जिस तरह से ध्रुवीकरण, धार्मिक ध्रुवीकरण की उन्होंने बात कही। कि धार्मिक ध्रुवीकरण का क्या मतलब है? आप लोग एक तरफ से कोई रोड एक्सीडेंट में मुस्लिम मारा जाता है तो उसको 50 लाख रुपये मुआवजा देते हो, एक गौ तस्कर के मरने पर उसको आप 25 लाख रुपये मुआवजा देते हो, आप फतवा जारी करते हो हिंदू पर्व त्योहारों पर कि वहाँ पर धार्मिक यात्राएँ नहीं निकलेंगी, एक तरफ आप PFI को परमिशन देते हो, आप जो कर रहे हो ठीक है। और हम जब बात करते हैं कि हम सबका साथ और सबके विकास की बात करते हैं, सबके प्रयास की बात करते हैं, और आज माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से जो योजनाएं चली हैं जन जन तक उनका लाभ पहुंचा है। ये योजना आज की तो है नहीं कि राशन वितरण की योजना, जो गरीब परिवार को राशन मिलता था, आज से पहले भी मिलता था 2014 से, लेकिन पहले उनका राशन खा जाते थे कांग्रेस के लोग, पेंशन पहले भी आती थी, जो लोग पैदा ही नहीं हुए गाँव में उनकी पेंशन भी खा जाते थे लोग। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएँ आपने रखी हैं और आज व्यवस्थाओं के अंदर सुधार आया है। आज प्रत्येक तबके को, जो भारत का वासी है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे किसी भी धर्म को मानने वाला व्यक्ति हो, सब तक योजनाएं पहुंची, सबके घरों में खुशियां आई हैं और सबको आगे लेकर हमारा देश आज आगे बढ़ रहा है। तो ये कांग्रेस के लोगों को झूठ बोलने के अलावा और कुछ सीखा नहीं इन लोगों ने, लोगों को भ्रमित करना, जाति पाति पे लड़ाना और प्रलोभन देना, यही इनकी आदत है, यही इनकी फितरत है और वो अब चलने वाली नहीं है। अंतिम सवाल, चुनाव जीतने के बाद बाड़ेबंदी की क्या व्यवस्था रहेगी? क्या और निर्दलीयों से या और पार्टियों के लोग जो जीतने वाले विधायक रहेंगे उनसे संपर्क या किस तरह? देखिए, बाड़ेबंदे की आवश्यकता इन कांग्रेस के लोगों को पड़ती है, इनके जो है ना सब छटपटाते हैं, भागते हैं, क्योंकि सब लोग लुटेरे लोग हैं, पैसे के लालची लोग हैं,
उनको पैसे से मतलब है, जनता से कोई मतलब नहीं। भारतीय जनता पार्टी को कोई बारे बनने की आवश्यकता नहीं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और एक एक कैंडिडेट जो जीत के आएगा वो पार्टी के लिए बिल्कुल मन से भाव से पार्टी के साथ जुड़ा है, और सब लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशों की पालना करते हैं। और जो निर्दलीय भी जीत के आएंगे वो भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही आएंगे, क्योंकि यहाँ भविष्य है देश का, यहाँ भविष्य है उनके जनता की, जिस जनता ने उनको जिताया, उनकी जनता के विकास का, उनकी चिंता को पूरा एक ही व्यक्ति कर सकता है और माननीय प्रधानमंत्री जी कर सकते हैं। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ बालकनाथ जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि वो आश्वस्त हैं जो निर्दलीय भी जीतेंगे वो भी पार्टी के पक्ष में रहेंगे। सभी तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं, कल मतगणना होनी है और सुबह से लगातार मतगणना के परिणाम सामने आने लगेंगे। राजस्थान तक के लिए अलवर से मैं हिमांशु शर्मा।